देखो सर, सीएचएसएल को कैसे क्लियर करूं, ये एक अच्छा सवाल है कि सर सीएचएसएल को कैसे क्लियर किया जाता है। देखो सीएचएसएल कोई बहुत बड़ी तोफ एग्जाम नहीं है, इसको क्लियर करने के लिए कोई बहुत हाईटेक दिमाग की भी होने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं लेवल की एग्जाम है जिसमें मैं अगर 50 50 50 ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हो, ठीक है। इस बात को समझो, आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में मुझे 3 पार्ट में खत्म करने हैं। देखो माइंड में एक ब्लूप्रिंट रखो, जब मंजिल ही तुम्हारी क्लियर नहीं है तो रास्ते कौन से लोगे। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मुझे दिल्ली से मुंबई तक जाना है तो मैं रास्ते कौन से लूंगा, मुझे ये पता होना चाहिए। तो पहले आप अपने मंजिल को डिसाइड करो कि भाई मुझे सीएचएसएल क्लियर करना है या मुझे सीजल क्लियर करना है, ठीक है। दोनों एक ही परीक्षा है, दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, दोनों की तैयारी आप साथ में करके परीक्षा निकाल सकते हैं। दिक्कत आप लोगों में तब आ जाती है, कुछ बच्चे सीएचएसएल की तरफ भागते हैं, कुछ भाई यूपीएसआई या यूपीएसआई की तरफ कूद गए, ठीक है। एनटीपीसी या एनटी, मतलब सगे तुम किसी के हो नहीं सकते, कोई तुम्हारा सगा कैसे होगा। तुम खुद परीक्षा के लिए सगे होना, पहले आपको सगा होना पड़ेगा परीक्षा के लिए, ठीक है। आपको उस हिसाब से आपका माइंडसेट क्लियर होना पड़ेगा 50 दिन, ये 50 दिन, इस 50 दिन का मेरे पास ब्लूप्रिंट क्या हो। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाता हूं अपने गुरुकुल के एक स्टूडेंट का, फिर आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मानो कि मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। शिवम मिश्रा है हमारे, ये गुरुकुल के स्टूडेंट है। शिवम मिश्रा का जो मॉक में स्कोर अभी रिसेंट में जो एवरेज स्कोर आ रहा है, उनका स्कोर 130 आ रहा है, ठीक है। शिवम के जो मैथ्स में जो चीजें हैं, मैंने उनको जो सजेस्ट किया है वो क्या क्या सजेस्ट किया है, ठीक है। बिल्कुल मैथ्स में कहते हैं कि सर मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे गाइडेंस की जरूरत है। तो मैंने कहा उनको, सबसे पहले आप 16 दिन 16 मैराथन की वीडियो देखो। 16 दिन 16 मैराथन, ये 50 दिन का उनका शेड्यूल है, 50 दिन का शेड्यूल है शिवम मिश्रा का। ये आने वाले 50 दिनों में उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे करना है, ठीक है। ये 50 दिन में उनको इतनी सिलेबस कंप्लीट करने हैं, और इसी 50 दिन में से कुछ पॉइंट्स पिकअप मैंने यहां पर किया हुआ है कि अगले 3 दिन का हम टारगेट कैसे देते हैं। जैसे एनालिसिस हो रहा है गुरुकुल में, 1-to-1 एनालिसिस होता है, तो वो कैसे होता है, ठीक है। जैसे शिवम मिश्रा को मैंने कहा कि शिवम आपको मैथ्स में ये 3 चीजें सॉल्व करनी है, 16 दिन 16 मैराथन, और एक मैंने उनको किताब बताई कि पिनाकल की किताब है, ये किताब आपको लगाना है, और कितनी बार लगाना है, कम से कम 3 बार किताब लगाना है, ठीक है। 16 दिन 16 मैराथन वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। हर चैप्टर का कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, पहले ये वीडियो देखोगे, जो ट्रिक मिलेंगे, जो कंसेप्ट मिलेंगे, उसके साथ आप इस पर काम करोगे, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि चलो इंग्लिश में, शिवम का कहना है कि सर इंग्लिश हो गया, लास्ट टाइम सीएचएल से परीक्षा है, इस परीक्षा में मैं नंबर कैसे और लेकर आऊंगा सर, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता दो, 30-35 आ रहे हैं, 50 तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो उनकी स्ट्रैटेजी, उसके लिए मैंने क्या बताया, सुनो ध्यान से, आप भी फॉलो कर सकते हो और आप ऐसा कर सकते हो। जब तक आपके माइंड में ये 50-day शेड्यूल नहीं होगा, आप परीक्षा के लिए क्लियर नहीं होगे, आपके माइंड में ये ब्लूप्रिंट होना जरूरी है। मैंने कहा शिवम एक काम करो, आपको तीन, देखो इंग्लिश में 3 चीजें पढ़नी है, वो कैब पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। वो कैब के लिए क्या करो, ऑनलाइन मेंटर की किताब आती है, ये तीनों किताब आप खत्म करो, कोई दूसरी किताब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, काली किताब, पीली किताब, नीली किताब, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मेंटर की 3 अलग-अलग किताब आती है, एक वन वर्ड के लिए आती है, साइनोवेंटो के लिए आती है, ईडियम्स के लिए आती है, ठीक है। ये तीनों के तीनों किताब को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो या पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आप परचेस करके आप इनको पढ़ो, ठीक है। रेलिवेंट है पूरा का पूरा वन वर्ड, मेरा इससे कोई नाता नहीं है, ना मेरा इस कंपनी से कोई नाता है, ठीक है, कि शायद मैं किसी की प्रमोशन कर रहा हूं आपको ऐसा लगता है, बिल्कुल नहीं है, इच्छा आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा कि ग्रामर, ग्रामर में उन्होंने कहा सर मैंने कोचिंग लिया हुआ है, फलाना टीचर से कोचिंग लिया है, एक्स वाई जेड जो भी है, तो मैंने कहा आप अपने नोट्स रिवाइज करो पहले। ये स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करनी चाहिए ऐसी, कि आपको सबसे पहले अपने नोट्स को खत्म करना है। देखो इतिहास गवाह है कि एक स्टूडेंट का कभी भी सिलेबस जिंदगी में खत्म नहीं हुआ है। सिलेबस 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 के पीछे भागोगे ना, तो कल भी नाउन पढ़ रहे थे और 5 साल बाद भी मिलोगे अपने बीवी बच्चों के साथ, तब भी नाउन ही पढ़ रहे होगे। तो सिलेबस कभी किसी एस्पिरेंट का खत्म नहीं होता है, ठीक है। 5 दिन का अपने आप को टारगेट दो, 6 दिन का अपने आप को टारगेट दो, नोट्स अपने खत्म कर दो और उसके बाद लग जाओ प्रैक्टिस में, ठीक है। तो ग्रामर में उसके बाद मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करना है, कहां से करना है, एमबी के पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करनी है, सारे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा नंबर मैंने कहा कि किरण की किताब लेकर आओ, किरण की जो इंग्लिश की किताब है, बड़ी लाभदायक किताब है, उसको आप 16 पार्ट में है। जब हम पढ़ाई करते थे तो हम क्या करते थे, हर पार्ट को फाड़ लेते थे, ये हमारा PQRS का पार्ट हो गया, ये हमारा आपको क्लोजेस्ट का पार्ट हो गया, ये हमारा वॉयस हो गया, ये हमारा नरेशन हो गया, ये स्पॉट एरर हो गया। जनरली जब आप एरर लगाते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लगाते, किसी टॉपिक के, ये नाउन के एरर, ये प्रोनाउन के एरर, लेकिन जब उन एरर को मिक्स कर दिया जाता है तो आपको एरर पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है, यार किसका एरर है यार बताइयो, समझ ही नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप किरण की किताब खरीदते हैं और किरण में शुरू के 1000 सवाल स्पॉट एरर दिए हुए हैं, कि किरण के आप
टॉपिक वाइज खत्म कर रहे हैं, 16-15 से 20 तक टॉपिक है उनके, कि आपने टारगेट कर लिया कि अगला 3 दिन तक मुझे जो है पूरी की पूरे किरण की स्पॉट एरर खत्म करनी है। तो इस तरीके से मैंने इनका ग्रामर में शेड्यूल बनाया कि आपको स्पॉट एरर लगाने हैं, वॉइस लगाना है, नरेशन लगाना है, वन वर्ड लगाना है, इडियम्स लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग में, ठीक है, कि रीजनिंग में सर अब आगे क्या करें इन 50 दिनों में। तो देखो रीजनिंग में इनके कुछ डाउट थे, ठीक है, तो रीजनिंग का मैंने कहा कि 2018 से 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर लगा डालो, गारंटी कह रहा हूं 50 में 47.5 ना के 50 में 50 आएगा, समझे, 50 में 47.5 ना के 50 में 50 आएगा। ये काम आप करो रीजनिंग के। अब ये पीडीएफ कहां से मिलेंगे, तो या तो क्यूमैथ से मिल सकता है और नहीं तो ग्रेड अप से मिल सकता है, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट बात करते हैं जीके और जीएस, जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक है भाई, कि जीके और जीएस के लिए 50 दिनों में क्या करें, ठीक है। तो इनके लिए मैंने उनको क्लियर अलग से स्ट्रेटजी बताई थी और आप लोगों को भी वेट करना पड़ेगा, जीके जीएस के लिए मैं कंप्लीट ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि जीके जीएस की पढ़ाई करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको वेट करो। अब उनको जो मैंने टारगेट दिया शिवम को गुरुकुल में, मैंने कहा देखो 12 लाख की भीड़ बाहर है, ये 12 लाख की भीड़ तुम्हें खा जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, 12 लाख की भीड़ सच में है बाहर, ठीक है। और अगर उस 12 लाख में आपकी वैकेंसी 1200 आ रही है, मतलब 6000 वैकेंसी आ रही है, और 6000 में अगर आप अपना सीट पक्का करना चाह रहे हो ना, तो आपको दुनिया की भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा, ठीक है। यही रीजन है गुरुकुल में, और यही रीजन है बाकी जगह पर बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि यहां बच्चों को हम इंडिविजुअली फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअली उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके कमजोरियों के ऊपर काम हो रहा है, और गारंटी कह रहा हूं वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। जब 50 दिन उसको इतना रगड़ दिया ना, ठीक है, और उसको इतने टारगेट दे दिया, और जब मैं 6 तारीख को मिलूंगा, मैंने सीधा शिवम को कहा अगर 6 को तुम इतना काम करके नहीं आए, 7 को मुझसे टारगेट लेने मत आना। सीधी सी बात है भाई, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हें एक बात या तो ध्यान रखना पड़ेगा कि सर मैं आपको अपना पूरा टाइम दे रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या करना, और मैं जो बताऊंगा वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, सिलेक्शन की गारंटी मैं लूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने उनको कहा कि मैथ को आपको 16 के 16 वीडियो फाइनल करने हैं और फिर से दोबारा उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से लगानी है, ये काम आप भी कर सकते हो, ठीक है। वोकैब के लिए मैंने कहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 400 तक, 1 से लेकर 400 तक कहां से ऑनलाइन मेंटर से फाइनल करना है, 400 तक उनको फाइनल करना। अगर 400 में 399 सही और एक गलत हुआ तो उनको मैं टारगेट 7 तारीख को मैं नहीं देने वाला हूं, ये बात मैंने उनको साफ कह दिया है, ठीक है। ग्रामर में मैंने कहा कि अभी सिर्फ नाउन उठाओ और नाउन को अपने नोट से प्रैक्टिस करो, और नाउन की मैंने उनको 3 किताबें दी हैं, वो 3 किताबें में उनको बैठकर उनको प्रैक्टिस करना है। 500 क्वेश्चन उनको मैंने नाउन को लगाने का टारगेट दिया है, और अगर वो 500 क्वेश्चन में मैं अगर एक भी क्वेश्चन अगर उनकी गलत हो गई तो उनकी खैर नहीं है, इस बात का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। रीजनिंग में मैंने कहा है कि कम से कम 10 सेट आप खत्म करो, कौन से 2019 के प्रीवियस ईयर के 10 सेट, ठीक है। 5 सेट इनका खत्म हो चुका है, 5 सेट अभी बाकी है। आज में इन्होंने 50% तो नहीं, मतलब 20% आज सिलेबस ये खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आज आए सर हाथ जोड़ते हुए, सर इतना नहीं हो पा रहा है, सर प्लीज थोड़ा टारगेट कम कर दो। हमने एक ही बात कहा कि टारगेट आप मेरे लिए कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो, नौकरी लगेगी तो आपकी लगेगी या मेरी लगेगी, इस बात को। शिवम नहीं थे, एक और लड़का था जो ये बात कहने आए थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, आप मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो। जिंदगी में तो 2 साल से भाई खुद की तैयारी से पढ़ रहे हो ना, सिलेक्शन हुआ क्या? 3 साल में खुद के तरीके से पढ़ते हो ना कि हाँ मैं अपने हिसाब से मैथ करूंगा, अपने हिसाब से इंग्लिश करूंगा, कितना सिलेक्शन हुआ, कहां तक पहुंचे? अगर मैं आपको 50 दिन आपसे मांग रहा हूं, उसके एवज में मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपकी गारंटी नौकरी दूंगा, ठीक है, और मैं नहीं दूंगा आप खुद लेकर आओगे, तो उसमें बुरा क्या है? आपको 10 दिन में आपके अपने लेवल में अपने औकात में फर्क समझ में आ जाएगा कि 10 दिन पहले मैं कैसी पढ़ाई कर रहा था, 10 दिन बाद मैं पढ़ाई कैसी कर रहा हूं, ठीक है। जीके के मैंने इनको कहे हैं कि 3 सेट लगाने हैं, कौन से सेट लगाने हैं, और ये 3 सेट का देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जुबान पे होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई सवाल इससे पूछ दूं ना, दर्रे से पूछ दूं, पहाड़ से पूछ दूं, पठार से पूछ दूं, इस लड़के के जुबान पर ये होना चाहिए, इस लड़के के जुबान पर ही होना चाहिए। और 3 मॉक मैंने देने को कहा है 3 दिनों में, इस तीनों की एनालिसिस मैं बैठकर उसके साथ करूंगा, इंग्लिश में कहां दिक्कत आई, मैथ में कहां दिक्कत आई, और फिर उस तरीके से जब 7 तारीख को इनकी मुलाकात होगी, 6 तारीख के रात में 12 बजे की इनकी मीटिंग की टाइम है, जब उस टाइम पर इनसे मीटिंग होगी तब मैं आगे का इनको शेड्यूल फॉलो करूंगा। आपको ऐसे खुद के शेड्यूल बनाने हैं, ठीक है। अगर आप यहां आ नहीं सकते, अगर आप अपने तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपको गाइडेंस, देखो मैंने एक ब्लूप्रिंट मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ये बात समझो कि आप भी ऐसा बना सकते हो अपना शेड्यूल। जब तक अपने आप को टारगेट नहीं दोगे मेरे भाई, सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। आपको मैंने क्या कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल कहां है, तब तो रास्ता पकड़ोगे ना, ठीक है।
समझे मेरी बात को, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक बात तो हमारी ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जो मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं गुरुकुल के, ठीक है। हिमांशु जैसे हैं, उनका 50 दिन का शेड्यूल है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिमांशु जो है वो इवन कोचिंग सेंटर्स के नोट्स पढ़ते हैं, अपनी कुछ कोचिंग्स के नोट्स भी होते हैं जहां से बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से कोचिंग लेकर। तो भाई इनको अपने नोट्स खत्म करने हैं, इसको ये किताब खत्म करनी है, ये 16 दिन की 16 वीडियोस खत्म करने हैं। ये सब मैंने खुद अपनी हाथों से लिखा है, अपने राइटिंग में लिखा है, और मैंने उनको टारगेट दिया है। आज 3 अप्रैल है और मुझे किसी भी हाल में आपके परीक्षा के पहले ये सारा का सिरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए। बच्चों को ऐसे तैयार कर रहे हैं हम गुरुकुल में कि भाई साहब इतना जान लो, ठीक है, रौन देंगे सबको बाहर, ठीक है। आपको ऑनलाइन हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आप भी रौंदोगे सबको। आपको करना है, आपको सीखना है। भीड़ जाने दो, जिस चैनल पे जा रही है जाने दो, जो कचड़ा फॉलो कर रही है करने दो। आप सभी तो देख रहे हो ना, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, तो आप इन शेड्यूल को फॉलो करो, ठीक है। आप सभी मेरे भाई हो, आप सभी के लिए शेड्यूल बता के लेके आ रहा हूँ, नहीं तो हम गुरुकुल की चीज़ आउट नहीं करते जनरली, लेकिन आपके शेड्यूल के लिए कि नहीं यार, ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं जो हमें देखते हैं, जिनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है और उनको देखना है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, कमेंट में अपना प्यार जरूर व्यक्त करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।